हेलो फ्रेंड्स, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है। ये जो है रिजल्ट से संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता 2021 यानी कि पीटी एग्जाम जो हुआ था उसी का जो है संशोधित रिजल्ट आया हुआ है। इसमें कुछ चेंजेस होने के बाद में कुछ यहाँ पे हाईकोर्ट में जो चल रहा था केस उसको सुधारते हुए उसको देखते हुए यहाँ पे नया संशोधित रिजल्ट आया है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी को मैं बताता हूँ एक एक करके। तो जो चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि यहाँ पे वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको बताए जाते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले जो 2021 वाला पीटी एग्ज़ाम था 19/9/2021 को यानी कि 19 तारीख को 9वें महीने को राज्य के 24 जिलों में कुल 1102 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया था। OMR उत्तर पत्रों की स्कैनिंग एवं मूल्यांकन के पश्चात 1/11/2021 को आयोग के वेबसाइट पर उक्त परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पे जो है ये 24 जिलों में 1102 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया था यह एग्जाम, और इसका जो है 1/9/2021 को वेबसाइट पर पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तत्पश्चात अनेक अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के विभिन्न रिट याचिकाओं दाखिल की गई। तो यहाँ पे हाईकोर्ट में यह केस चला गया था। इसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ सुनवाई होने के बाद यहाँ पे जो है माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश पारित हुआ, और इसमें से जो है 4885 यानी कि 4885 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संशोधित परीक्षा पर औपबंधिक रूप से अनुक्रमांकवार निम्नलिखित पांच दायें प्रकाशित किया गया है। तो पिछली बार जो रिजल्ट जारी किया था उससे अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को पास किया गया यहाँ पर हाईकोर्ट से आदेश के बाद में। तो यहाँ पे जितने पास किए गए हैं वो हैं 4885 अभ्यर्थी को अब मेंस एग्जाम लिखने दिया जाएगा। तो उनका जो है यहाँ पे रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करके, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे जो है अपना नया रोल नंबर देख सकते हैं। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो भी अपना चेक कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे अपना नाम का रोल नंबर जो है वो आ जाए। तो आप लोग पूरे रिजल्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अब रिजल्ट नया जारी हुआ है जिससे कि 4885 स्टूडेंट्स का हो गया है सिलेक्शन। तो ये अपना रोल नंबर को आप लोग सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से है। और इसको मैं थोड़ा सा और नीचे में बताता हूँ कि क्या है यहाँ पर जो चीज़ें जानकारी। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना रोल नंबर को चेक कर सकते हैं, हो सकता है इस बार उसका नाम आ जाए। और फिर यहाँ पे देखिए ये क्या गया, यह स्पष्ट ज्ञात किया जाता है कि पीटी एग्जाम में मात्र सफल होने से किसी अभ्यर्थी की अर्हता संतुष्ट नहीं होती। ये भी यहाँ कहा गया कि पीटी पास होने से ही और कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया ऐसा बात नहीं है। मुख्य परीक्षा साक्षात्कार और अंतिम परीक्षाफल की प्रक्रिया के कारण किसी भी चरण में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता की समीक्षा करने के उपरांत उस पर यथोचित निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। तो ये इसके बाद मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसका फिर लास्ट में मेरिट के अनुसार से एग्जाम का रिजल्ट निकलेगा, तब जाके आगे फिर कुछ होगा। ये सारे यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद है यहाँ पर टिप्पणी में दिया गया, टिपिकल लंक टंकन भूलवश किसी भी त्रुटि के लिए परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है। यदि यहाँ पे टाइप में या टंकन में भूल हुई होगी तो उसमें परीक्षाफल में फिर संशोधन हो सकता है, ये भी यहाँ कहा गया है। साथ ही साथ उपर्युक्त सफल घोषित उम्मीदवारों के अनारक्षित कोटे के अंतर्गत 1552, अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोट के अंतर्गत 1002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटी 1 के अंतर्गत 994, पिछड़ा वर्ग के लिए 681 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 294, कुल 488 उम्मीदवार पास हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल है उसमें से 1552 स्टूडेंट्स, फिर SC जो है 362, फिर ST में 1002, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 994 कैंडिडेट्स, और फिर पिछड़ा वर्ग 2 में 681 कैंडिडेट्स पास किए गए, और साथ ही साथ में कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 कैंडिडेट्स। इस प्रकार से टोटल 4885 उम्मीदवार जो हैं वो अब मेंस का एग्जाम लिख सकते हैं जो कि हाईकोर्ट के बाद यहाँ पे हुआ है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ है, तो यहाँ पे जो है नियमावली 2021 के अनुसार यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अतिरिक्त से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार को पर्याय संख्या रिक्ति का 15 गुना में मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु उनके कट ऑफ अंक को कम किया गया। तो यहाँ पे जो है SC ST और कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की जो है संख्या रिक्ति के 15 गुना को शामिल करने के लिए उनका जो है कट ऑफ को भी कम किया गया है। तो यहाँ पे जो नया कट ऑफ है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सके बोल के। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में 248, EBC 1 में 248, BC 2 में 248, EWS में 246, SC में 242 और ST में 232 कैंडिडेट्स जो हैं उनका कटअप जारी कर दिया गया। तो ये आप लोग का नया कटअप है, ये भी आप देख सकते हैं साथ ही साथ। और यहाँ पर
फिर कहा गया वैसे अभी तो जो पूर्व में प्रकाशित परीक्षाफल में सफल घोषित किया गया था तथा वर्तमान संशोधन परीक्षाफल में सफल में तथा उनके द्वारा पूर्व में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि पहले जो कैंडिडेट्स पास किए गए थे और वो अभी वर्तमान संशोधन में भी पास हुए हैं, और साथ साथ जो पहले पास किए थे वो अगर मेंस के लिए ऑनलाइन कर चुके हैं तो उनको दोबारा से ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नए पास किए हैं इस बार का जो संशोधन के बाद, वे लोग अब ऑनलाइन करना आवश्यक है यहाँ पे कहा गया। साथ साथ परंतु संशोधित परीक्षाफल में सफल घोषित शेष अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरना आवश्यक होगा। जो अभी जो नया रिजल्ट आया उसमें जो पास किए होंगे नए कैंडिडेट्स, वे लोगों को मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। और फिर यहाँ पे इसके लिए शीघ्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम सूचना दी जाएगी, यह बाद में सूचना दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता 2021 के आयोजन के संबंध में भी सूचना फिर से नया प्रकाशित किया जाएगा, ये कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी है पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, ये कहा गया है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं सचिव प्रभारी लोक सेवा आयोग रांची, ये सब सारा चीज़ें दिखाया गया है। और इसे www.jpsc.government.in पर अपलोड भी कर दिया गया है। ये साथ ही साथ आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस प्रकार से। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो पहले बार पास किए थे वो अब मेंस के एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और जो अभी नए रोल नंबर अपना देख लेंगे उसके बाद जो पास किए रहेंगे अभी दूसरी बार में, वे भी अब मेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। हो सकता है बहुत जल्दी इसके बारे में और कुछ नोटिस आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को वो नोटिस बता दूंगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हो सकता है बहुत जल्द इसके बारे में नया नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेंस एग्ज़ाम के लिए यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए अब नया कैंडिडेट्सों का यहाँ पे शामिल हुआ है, जिसमें से 4885 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। तो यही एक नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट है JPSC झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से।